नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बेटा मीडिया की जगह छोड़ दो। अरे भाई जो एक शेर बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। और अगर मैं समझी गई ये बात, नुकसान हम सबका है। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो लोगों के खिलाफ लड़ा था, उसे के साथ आ गया है, जिस अमानवीयता के साथ आ गया है, मुस्तकिल हमारे देश में हो रहे हैं, आप उसमें गौर करेंगे तो उसमें धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई गई है, उस धर्म के नाम से ये लिंचिंग हो रही है, उस धर्म के नाम से ये भेड़ तंत्र आती है और हमें से किसी नौजवान को अपना शिकार बना करके चली जाती है। अगर तबरेज ने माना चोरी की भी, अगर चोरी का इल्जाम आया भी, उसका नाम पूछ करके जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने का क्या सवाल पैदा होता साथ ही बात, उसको जय श्री राम या जय हनुमान का नारा लगाया जाए। दोस्तों एक बात पर आप और गौर करेंगे, इस तरीके की जितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 4 से 5 सालों में, आप देखेंगे कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो अपराधी हैं, वो एक विशेष विचारधारा से संबंध रखते हैं, वो एक विशेष धारा जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो अपने मोहल्ले पड़ोस के मुस्लिम भाइयों से, अपने दोस्तों अपने साथियों से, जिसे अभी चंद सालों पहले उसके प्लेट में खाना खाता था, उसके साथ कैंटीन करता था, लेकिन आज हम अपने कॉलेज कैंपस में देखें कि इस पानी के बुलबुले जैसी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरपुर के जो बच्चे थे, जो शिक्षक शिक्षक के उन्होंने अपनी जाने गवा दी, क्या पूछा जाएगा कि उनका धर्म क्या है, किन बात की खता उन्होंने पाई थी, कौन सा जुर्म किया था उन्होंने। गोरखपुर के उन बच्चे जो ऑक्सीजन के बगैर अपनी सांसें उन्होंने गवा दी, राम के बच्चे, वो कृष्णा के बच्चे, हमारी माओ के बच्चे। मेरा ये कहना है कि ये जो पौते हैं, ये जो हत्याएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल की चेयरमैन यादव को मारा गया, उत्तर प्रदेश में हुआ ना, कहा जाता है।